वार्ड नंबर 32 में बह रही है भाजपा की लहर। भाजपा की प्रत्याशी उर्मिला पांडे से एक वार्ता में देखिए क्या खबर निकल के आई। सुनिए उर्मिला जी की जवानी। उर्मिला लहरा रही है परचम, खिलेगा फूल। और मैंने पांडे कुछ ना कर इंटरमीडिएट कॉलेज से रिटायरमेंट किया है और अब राजनीति में प्रवेश किया है। किस पद के थे? मैं इस समय भाजपा के पार्षद पद के लिए प्रत्याशी के रूप में हूँ। वार्ड नंबर 32 मुझे मिला है और किसी पद से। आपका मुद्दा क्या होगा चुनावी? मेरा पहला मुद्दा ये है कि जो जल निकासी की समस्या है और सीवर की समस्या है उसको देखा जाएगा और उस पर कार्य करना ही मेरा मुद्दा पहला है। और दूसरा मुद्दा मेरा जो है वो है आपके सड़कें जो हैं, बिजली की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और सभी जनता को उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। योगी जी का कथन है एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई गई, आप लोग उसमें क्या करेंगे? ऐसा है कि मोदी जी ने जो सबके साथ और सबके विश्वास और सबके विकास की बात किया है तो डबल इंजन की सरकार तो बन चुकी है। अगर हम लोग मेयर और सभासद भी आ जाते हैं इसमें तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और सब उनके इस नारे को हम लोग सार्थक करेंगे।